नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन मटेरियल में। देखिए दोस्तों, काफी दिन बाद में आए हैं चैनल पे। उम्मीद है कि बड़ी अच्छी न्यूज लेके आए होंगे, तभी आए हैं, वरना तो इतना टाइम है नहीं यार आजकल, तो आ नहीं पाते। अभी नया रूम सेट किया है, उसमें काफी टाइम लग गया सामान वामान लाने में। आप देख सकते हो अभी नया सब कुछ, नया बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग के लिए बोर्ड वोर्ड सब कुछ लेके आए हैं दोस्तों। आप आज हम बात करेंगे दोस्तों, समझ लेना, पढ़ लो किसके संबंधित बात करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन टुडे, आज क्या नोटिफिकेशन आया है दिल्ली पुलिस से संबंधित, क्या नोटिफिकेशन आज आया है उससे रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। उम्मीद है आज आवाज बड़ी आएगी, ठीक है, क्योंकि सारा जुगाड़ ले आया हूँ आज मैं, बढ़िया माइक वाइक बढ़िया लेके आया हूँ भाई, बढ़िया बोर्ड वोर्ड, तो उम्मीद है कि आवाज बड़ी आएगी। अगर फिर भी खराब आए तो कमेंट में बता देना कि सर आवाज खराब है, फिर बदलवा लेंगे, दूसरा लेंगे यार। आज बात करेंगे किससे संबंधित है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन टुडे, आज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आया है उसके संबंधित में, किसके रिगार्डिंग में, दिल्ली पुलिस 2019 भर्ती कब तक होगी इससे संबंधित। वो जो टेंडर वाला नोटिफिकेशन आप सभी ने पढ़ लिया होगा, वो आया दोस्तों, उसके संबंधित हम बात करेंगे कि उसमें क्या कुछ दे रखा है, क्या कुछ मामला है, ठीक है, उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी अपन तैयारी शुरू कर देंगे दिल्ली पुलिस की। आपने तो काफी दिन पहले से शुरू कर रखी होगी भाइयों, उम्मीद है बढ़िया भी तैयारी और रखी होगी, और देखिए लगे रहो क्योंकि वैकेंसी तो आने वाली आएगी, अब ना आएगी तो 2 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन वैकेंसी तो आएगी, ठीक है। अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे और जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है भाई। बाकी हम भी आपकी तैयारी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि सही करवा पाए, इसलिए बोर्ड वोर्ड लेके आए हैं। अभी थोड़ा फिटिंग का मामला हुआ नहीं है, थोड़ा फिटिंग हो जाता है फिर सही तरीके से आपको सब कुछ तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो, मतलब छोटी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे सही तरीके से आती है वही कराऊंगा मैं, ठीक है, कुछ ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे सही तरीके से आती है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, वही चीज कराऊंगा, ठीक है। बाकी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी भाइयों। देखिए जो वो आया है, जो एक टेंडर का नोटिफिकेशन आया है, मैं उसकी पीडीएफ लिंक में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सॉरी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। तो उसमें है क्या, देखिए दोस्तों जो दिल्ली पुलिस है वो जैसे पिछली बार एसएससी को टेंडर दिया था उसने, उसी प्रकार टेंडर देने वाली है किसी और कंपनी को, कोई भी कंपनी हो उसके लिए उन्होंने वो मांगी है फॉर्म, उससे रिगार्डिंग कोई भी टेंडर लेना चाहे। तो देखिए दोस्तों इसका मतलब यही है कि देखिए मैंने आपको बोला था कि अगस्त लास्ट में चांस है कि वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कंफर्म आ जाएगी, ये बात चाहे मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लेना, मैंने ये बात नहीं बोली कि कंफर्म आ जाएगी, ठीक है, लेकिन मैंने बोले थे चांस है। देखिए वैकेंसी तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो आया ना, तो देखिए अब वो निकल गया मतलब प्रोसेस में तो है, लगे तो रहे हैं ये, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो आप भाई तैयारी थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिएगा, तैयारी की जोरों पे बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए जो जो भाई मुझे बोलते हैं कि आप लाइव आओ लाइव आओ, उम्मीद है कि 2-4 दिन 5-7 दिन बाद में लाइव आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए नया चैनल है मेरा, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे, जो वीडियोज भी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखिए अपना यूट्यूब का भी एक रूल होता है कि इतने सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं तभी उसके बाद बंदा ऑनलाइन आ सकता है, उससे पहले तो आ नहीं सकता, लाइव आ सकता तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है दोस्तों, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि 2-4 दिन में काम हो जाएगा, अगर आप सपोर्ट करोगे, आप शेयर करोगे वीडियोस को तो ये काम हो जाएगा दोस्तों। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो जल्दी से जल्दी आ पाऊंगा, ठीक है। और वीडियोज को देखा करो दोस्तों, बिना स्किप करके देखा करो यार, आप ही के लिए तो बनाते हैं, अगर कोई फालतू की बात होती तो हम वैसे नहीं बोलते, ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है कि वीडियो को हम बड़ा करें वो करें, आपके लिए बनाते हैं भाइयों। बाकी देख लो, उम्मीद है अब ये भी मतलब इनका काम प्रोसेस में चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तभी कुछ मतलब जहां कुछ चिंगारी होती है ना वहीं से धुआं निकलता है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है, तभी थोड़ा बहुत हलचल हो रही है तो कुछ ना कुछ मामला है, तो तैयारी जोरों पर कर दीजिएगा भाई। और बता देता हूँ, कॉन्स्टेबल के साथ में हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी होने वाली, मिनिस्ट्रियल की हेड कॉन्स्टेबल की आने वाली है, एडब्ल्यू की सिलेबस वही है, एडब्ल्यू में शायद सिलेबस दूसरा है लेकिन मिनिस्ट्री वाले में सिलेबस वही है, कंप्यूटर को जोड़ दिया,
भाई बढ़िया नौकरी है, बढ़िया चांस है। देख मैं एक बात बोलूंगा, कॉन्स्टेबल तो बढ़िया वो है, आप कैरी करो तो ठीक है, क्योंकि आप भाई हो मेरे, कोई बड़ा भाई है कोई छोटा भाई है, तो मैं सही राय दूंगा। देखिए मम, हाँ नौकरी मिलनी सबसे बड़ी जरूरी है। देखिए मैं नहीं बोलता दिल्ली पुलिस की खराब नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, मैं जिसमें देख मैं भी खुद काम कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि हम इससे भी ऊपर जाएं ठीक है। आप सब इंस्पेक्टर के देखो, कोई और देखो, लेकिन भाई ना मिले तब तक ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है भाई, बढ़िया सैलरी देती है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो बाकी उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर करोगे, कुछ ज्यादा तो था नहीं, यही बता रहा था कि देखिए जो टेंडर वाला है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, आप वहां से पढ़ सकते हो उसमें क्या दे रखा है। उसमें ये भी दे रखा है कि प्री एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन पहले होगा, लेकिन उसमें देखो वो मामला थोड़ा दूसरा बताया उसने, प्री एग्जामिनेशन और पोस्ट एग्जामिनेशन ये बताया कि आप एग्जामिनेशन से, वो तो उनका मामला है, वो अपना नहीं है भाई, वो जो टेंडर वाले हैं उनका मामला है। लेकिन बात वो ये भाई कि मतलब जहाँ भाई थोड़ी वो चिंगारी होती है ना, वहीं से धुआं निकलती है, तो मतलब धुआं तो निकल रही है भाई कहीं से ना कहीं से, तो मतलब वैकेंसी तो आने वाली है, जल्दी से जल्दी आने वाली है। और एक बात और बता रखिए भाई, 25 लाख के लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, इसका मतलब पता है क्या समझते हो आप, इसका मतलब यही है भाई कि मामला क्या कि मतलब 25 लाख के लगभग पेपर्स भी लिए जाएंगे, तो मतलब पहले तो पेपर ही होने वाला है, इसका मामला यही है ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बढ़िया सी ज्यादा शेयर करोगे तो जल्दी से जल्दी आपके साथ लाइव आ पाऊंगा, लाइव आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उनके आंसर लाइव दे सकता हूँ, वैसे तो आप पूछते भी नहीं हो और वैसे मैं सही से दे भी नहीं पाता भाई, लाइव आऊंगा तो आपका सॉल्यूशन वहीं का वहीं हो जाएगा, कमेंट्स पढ़ेगी बता देंगे। बाकी आपका साथ चाहिए दोस्तों, आपका साथ है तो सब कुछ है, बाकी किसी से भी रिलेटेड कुछ बताना हो तो भाई बता दीजिएगा, एक वीडियो और बना देंगे। अब तो पूरा मामला सेट कर दिया, बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग, बढ़िया रूम ले लिया यहाँ दिल्ली में, कोई भाई को मिलना हो तो भाई कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिल सकते हैं भाई आप। एक भाई भी आया था मिलने, अपना ही सब्सक्राइबर था, काफी अच्छा लगा यार आपसे मिलके, आपके दम पे दम है यार, आपसे मिलके अच्छा लगता है। बाकी किसी दिन टाइम रखेंगे, कोई दिल्ली वाला होगा कोई भी मिलना चाहे तो एक दिन तारीख रखेंगे, एक बार थोड़े लाइव आ जाने दो, मुझे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाने दो, फिर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भाइयों से मिल सके ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लंबी नहीं बढ़ाऊंगा, इतनी बढ़ाऊंगा बस, शेयर ठोक देना बढ़िया से बढ़िया, शेयर के सवा शेयर कर दियो भाई ठीक है, मतलब बढ़िया फैला दियो यार वीडियो ने, फैलाओगे तब भाई सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कोशिश करो कि भाई सब्सक्राइबर बढ़वाओ, फिर लाइव मिलेंगे ठीक है भाई। किसी भाई को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ लेना, आपके लिए इतना भाई, जय जय भारत भाई।